दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि जो आई टी का सिलेबस था डीजल मैकेनिक ट्रिप 2016 के लिए और इस बार जो सिलेबस आया है 2022 के लिए उसमें क्या क्या जोड़ा गया है क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या अंतर आए हैं ठीक है थीके? और क्या चेंजेस हुआ है और सिलेबस किस प्रकार का बनाया गया है इस बारे में बन चर्चा करने वाले हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मैं आपको सबसे पहले हमको जाना है गूगल में आप यहाँ टाइप कीजिए व्यापम ठीक है दोस्तों व्यापम टाइप कीजिए आपको यहाँ पे व्यापम में जाएंगे ब्याप मैं आपको जाना है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में ठीक है वहाँ पे आप इंग्लिश चुन लीजिए इंग्लिश हिंदी जो भी आपको सीटी से सीटी पर लगे रूल बुक में जाइए रूल बुक में सबसे पहले आप जाइए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ठीक है यहाँ पे जाइए सबसे पहले सिलेबस में तो यहाँ आपका पहले खुल जाएगा सिलेबस ठीक है दोस्तों आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या डीजल मैकेनिक का सिलेबस ये देखिए आप यहाँ पे जाइए यह मैकेनिक डीजल का सिलेबस मिल गया दोस्तों ये यह यहाँ से लेके वन नंबर से लेके आप लास्ट तक का आपका मैकेनिक डीजल का सिलेबस है इसमें कन्फ्यूज मत होना दोस्तों ये पेज नंबर पाँच है ये पेज नंबर पाँच पेज नंबर तीन और पेज नंबर चार तो ये केवल पेज नंबर तीन में ही दिया हुआ है डीजल मैकेनिक का सिलेबस ठीक है यहाँ साइन भी है ये डीजल मैकेनिक का सिलेबस है ठीक है अभी दो अभी जो दिया हुआ है उसका ठीक है अब चलिए आपको फिर से दिखा फिर से हम जाते हैं गूगल में ठीक है गूगल में हम जाएंगे फिर से भी आप हम टाइप करेंगे यहाँ पर आप हमें आपको जाना है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में फिर जाइए इंग्लिश में ठीक है रूल बुक में जाइए रूल बुक में थोड़ा और पीछे जाइए आपको जाना है दो हज़ार सोलह ठीक है दो हज़ार अठारह हो गया 2007, ये दो हज़ार सत्रह दो हज़ार सोलह ठीक है दो हज़ार सोलह ये देखिए लगी है कौशल विकास कौशल विकास सचिवालय ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट दो हज़ार सोलह यहाँ जाइए सिलेबस में सिलेबस में जाना आपका मैकेनिक डीजल में ठीक है तो इस प्रकार का आपका यहाँ पे मैकेनिक डीजल का जो 2016 का सिलेबस था वो आपका यहाँ पे आ चुका है ठीक अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि इनमें क्या चेंजेस आए हैं और किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं हम इसमें चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों तो हम आते हैं सिलेबस में ये यह देखिए यही सिलेबस आपका मैंने खोल के रखा हुआ है जो मैंने अभी निकाला था मैकेनिक डीजल की अब आपको क्या करना है दोस्तों अब आपको फिर से गूगल में जाना है ठीक है फिर से गूगल में जाना है आपको यहाँ टाइप करना है डीजल मैकेनिक आई टी सिलेबस एन एस क्यू से लेवल फोर ठीक है यहाँ आप जाइए ये आपका पहले जो वाला जो पहला वाला कॉलम है इसको खोलिए ये मैकेनिक डीजल एनएसकेब ले, एन एसकेब लेवल फोर ये आपको एक नया सिलेबस डला हुआ दिखेगा ठीक है आप आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ आगे बढ़ाइए थोड़ा कर्सर डाउन कीजिए यहाँ पे आप सीधे आइए किसमें सिलेबस में ठीक है ये गया सिलेबस फॉर मैकेनिक डीजल ट्रेड ड्यूरेशन वन ईयर ठीक है अब देखिए दोस्तों रेफरेंस लर्निंग आउटकम ये अलर्ट कॉलम में जाना है आपको क्या रेफरेंस लर्निंग आउटकम इसमें जाके देखना है और आपको आई टी आई दो हज़ार बाईस का सिलेबस देखना है देखिए पहला वाला पढ़िए चेक एंड परफॉर्म मेजरिंग एंड मार्किंग बाई यूजिंग वेरियस मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स वन कैलिपर माइक्रोमीटर टेलीस्कोपी गेज डायल बुरगेज डायल इंडिकेटर स्ट्रेटेज फेलर गेज थ्रेड पिच गेज वैक्यूम गेज टायर प्रेशर गेज फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ तक ठीक है देखिए यहाँ तक पूरा पढ़ा अपना अब देखिए यहाँ पे जाइए जी देखिए चेक एंड परफॉर्म मेजरिंग मार्किंग यूजिंग वेरी वेरियस मार्किंग मेथड पूरा की पूरा वही का वही लिखा हुआ है ये फर्स्ट हुआ दोस्तों अभी अभी वीडियो की शुरुआत है अभी आप देखते हुए चाहिए ठीक है ये फर्स्ट वाला हुआ ये इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत ये पूरा है यहाँ तो प्रोफेशनल ट्रेड प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल ट्रेड नॉलेज ठीक है ये पूरा इस इसके अंतर्गत है इस टॉपिक के अंतर्गत ठीक है जिसमें जो जो चीज़ें पूरी आपको यहाँ पे दी गई है ठीक है उसके बाद दी पूरी दी गई है सेकेंड है प्लान एंड परफॉर्म वेसिंग बेसिक फास्टनिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन बाय यूजिंग करेक्ट हैंड टूल एंड मशीन टूल इक्विपमेंट ठीक है ये पढ़ा ये देखा आपने अब देखिए फिर यहाँ पे यहाँ पे देखिए प्लान एंड परफॉर्म बेसिक फास्टनिंग फिटिंग ऑपरेशन वाई यूजिंग करेक्ट हैंड टूल मशीन टूल एंड इक्विपमेंट ठीक है दोस्तों ये पूरा की पूरा इस प्रकार से पूरा जो सिलेबस है ये एनएस लेवल का जो फोर का सिलेबस है ये यहाँ का जो आपका लर्निंग आउटकम वाला फेस है ठीक है यहाँ पे जो लर्निंग रेफरेंस लर्निंग आउटकम है उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत ही पूरा सिलेबस यहाँ जो लिखा हुआ है वो इसके अंतर्गत आता है इस टॉपिक के अंदर तो ये पूरा के पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे दिया हुआ है अब आप आपको मैं स्पेशल चीज बताऊँगा कि चेंजेस क्या हुआ है ठीक है क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट वाली जो लाइन है वहाँ पर चेंजेस हुआ है देखो दोस्तों यहाँ पे आपको आपको देखिए यहाँ पे देखा रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्रॉइंग यहाँ पे देखिए सोलह नंबर से रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राॅइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड वर्क डेमोस्ट्रेशन, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशन अंडर अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बेसिक साइंस इन दी फील्ड ऑफ स्टडी ठीक है तो ये जो पोर्सन है ये नया जुड़ा हुआ है जो कि इस सिलेबस में नहीं है सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ये आपका मैथ्स का बेसिक हो सकता है या आपका मैथ बेसिक मैथेमेटिकल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इनको आपको पढ़ना है ठीक है अब देखिए इस सिलेबस 2016 के सिलेबस ये 2016 के सिलेबस और 2022 के सिलेबस ठीक है इन दोनों में भी कुछ अंतर है ठीक है इस अंतर को मैंने पूरा आपका बना के रखा हुआ है पूरी की पूरी चीज आप उसमें निश्चित रखिए मैं आपको पूरी चीज़ समझा रहा हूँ क्या क्या अंतर आए हुए हैं ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं यह है दोस्तों दो का सिलेबस और यह है दो हज़ार बाईस का सिलेबस इसमें मैंने स्पेशली मार्क कर दिया है वो चीज़ें जो कि दो हज़ार सोलह में नहीं थी और दो हज़ार बाईस में जोड़ी गई हैं जिससे कि यदि आपकी बुक अगर आपके पास पुरानी हो या आप किसी बेसिक स्टडी में जो तैयारी कर रहे हैं तो इन जो नए टॉपिक हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें तो देखिए दोस्तों ये या जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है ट्रेड प्रैक्टिकल की जगह मैं ट्रेड थ्योरी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि ट्रेड प्रैक्टिकल में अधिकतर चीज़ें जो ट्रेड प्रैक्टिकल में है वो ट्रेड थ्योरी में भी इसको डिटेल में कवर कर चुका है तो हम ट्रेड थ्योरी की बात करेंगे यहाँ पर ठीक है हम तो ट्रेड थ्योरी वाले सिलेबस की बात करेंगे ठीक है ट्रेड प्रैक्टिकल में इसको इंक्लूड क्या हुआ है तो यहाँ पे अपन जाइएंगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जुड़ा है यहाँ पे जो नया सिलेबस है यहाँ जुड़ा है कॉन्सेप्ट अबाउट हाउस कीपिंग एंड फाइबर्स मेथड ठीक है जो कि पुराने वाले सिलेबस में नहीं है ठीक है और इसमें क्या हटा है एडमिशन एंड इंट्रोडक्शन टू द ट्रेड ये जो है ये हट चुका है ये अला पूरा टॉपिक हट गया है नए सिलेबस में देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं है ठीक है और ये पुराने जो कॉन्सेप्ट है ठीक है उसमें जो पुराने वाले की जगह इसमें नया वाला क्या है कॉन्सेप्ट अबाउट हाउस कीपिंग एंड फाइव एस्ट मैथड फाइव एस्ट मैथड को इसमें जोड़ दिया गया है चलिए आगे बढ़े और क्या जोड़ा गया है दोस्तों ठीक है हम आगे जाएंगे तो आगे जाते जा रहे हैं दोस्तों बाकी सिलेबस वही है अब देखिए जो पुराना सिलेबस था ना दोस्तों उसमें ये नहीं था क्या आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या था फास्टनर फास्टनर सीधे चालू थे ये चीज़ नहीं थी जो अभी जोड़ी गई है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल जॉइंट परमानेंट टेम्परेरी मेथड ऑफ वोल्टिंग रेबिटिंग सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग और सीमिंग ये भी आपको नया मतलब इसमें जोड़ने को मिलेगा जो 2016 के सिलेबस में नहीं था आगे और जाते जाएं दोस्तों हम और आगे बढ़ेंगे मैंने मार्क करके रखा हुआ है बाकी सिलेबस दोस्तों जो दो हज़ार सोलह की तरह सामान है ठीक है जो चीज़ सामान है उसको मैं आपको नहीं बता रहा जो चीज़ अलग है वही आपको बता रहा हूँ ताकि अब उस चीज़ को स्पेशल पढ़ पाएँ ठीक है बेसिक नॉलेज अबाउट एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट लाइक एम आई स्पॉट वेल्डिंग प्लाज्मा कटर ये पुराने सिलेबस में नहीं था ठीक है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बट कटिंग वाला जो टॉपिक था बेसिक बे, बेसिक ड्रिलिंग मशीन बेटिंग लिमिट फास्टनर के बाद हमारे ड्रिलिंग मशीन भी हो गई टिप एंड डाई हो गया ये कौन सा टॉपिक है ये टॉपिक अंतर कर रहा है वेल्डिंग और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर का टॉपिक है तो यहाँ पे आपका नहीं था एक मिनट दीजिएगा दोस्तों बस मैं आपको क्लियर कर दूँ ये देखिए दोस्तों इंट्रोडक्शन टू तो वेल्डिंग एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इसमें यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो था यह ला जो मैंने आपको मार्क करा हुआ है यहाँ पर बेसिक नॉलेज अबाउट एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस इक्विपमेंट लाइक टी आई जी एम आई जी स्पॉट वेल्डिंग प्लाज्मा कटर ये आपको स्पेशली पढ़ना है जो इस बार जोड़ा गया है जो यहाँ पे नहीं था ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूमेटिक सिम्बॉल डिस्क्रिप्शन ऑन फंक्शन ऑफ एयर रेसिप्रिटिंग कंप्रेसर फंक्शन ऑफ एयर सर्विस यूनिट ये पिछले सिलेबस में था दोस्तों 2016 के सिलेबस में ये था जो कि यहाँ 2022 के सिलेबस में नहीं है लेकिन दोस्तों जो चीज़ हटाई गई है वो तो हमको तो भी पढ़ना है ठीक है ऐसा नहीं कि हमें नहीं पढ़ना है जो चीज़ हट गई है उसको भी पढ़ना है और जो जोड़ दी गई है नई उसको भी पढ़ना है मतलब जो पहले हटा दी गई वो भी हम पढ़ेंगे रिस्क नहीं लेंगे और जो चीज़ नई जोड़ दी गई है जो पुराने सिलेबस में नहीं थी तो उसको भी हमको पढ़ना ही है इस चीज़ को आपको याद रखिए मतलब आपको पढ़ाई तो पूरी करना है तो भी आपको स्पेशली में जो कि पुराने सिलेबस में नहीं है नए सिलेबस में जोड़ा गया है इसलिए मैं उसको इंडिकेट कर दिया है बाकी सिलेबस दोस्तों सेम है एक और टॉपिक आगे आएगा आपका जो कि थोड़ा सा चांस है आप बढ़ते जाइए नीचे नीचे देखिए फ्यूल फीड सिस्टम एंड आइस इंजन तो इसमें ग्रेविटी फीड सिस्टम फोर फीड सिस्टम मैन पार्ट फ्यूल पंप, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फीड पंप, नॉलेज अबाउट फंक्शन वर्किंग टाइप ऑफ कारबोरेटर ठीक है नॉलेज अबाउट फंक्शन वर्किंग एंड टाइप ऑफ कार्बोरेटर ये भी जोड़ा गया है ठीक है यह है ठीक है नए सिलेबस में यह है एन स्केप लेवल फोर में तो ये भी आपको पढ़ना है बाकी जो सिलेबस है दोस्तों आपकी सेम सेम टू तो सेम बना हुआ है ठीक है बाकी सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो जो टॉपिक नए जुड़े गए हैं दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया साथ ही साथ आप यहाँ पर मैंने एक गूगल सी बना दी है ठीक है आप चाहें तो इसको स्क्रीन पाउज करके स्क्रीन शॉट ले लें दोस्तों मैंने पूरी चीज निकाल दी है जो नई चीज जोड़ी गई थी ना इस सिलेबस में वो मैंने एक निकाल के आपका वर्किंग सीट बना दी है आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें ध्यान से ठीक है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और साथ ही साथ आप जब मैं यहाँ पे आपका जो कर्सर डाउन कर रहा था तब भी आप यहाँ पाउस कर करके क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जो चीज़ आपकी नई जोड़ी गई है ठीक है बाकी दोस्तों बाकी सिलेबस जो था आपका मैंने दिखाया हुआ दिखाया हुआ है जो लर्निंग आउटकम थे ठीक है इस जो सिलेबस को बनाया गया है जो लर्निंग आउटकम थे ठीक है ये लर्निंग आउटकम ये लर्निंग आउटकम में ही ये पूरा के पूरे सिलेबस आपका कंक्लूड है ठीक है दोस्तों तो ये आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो चेंजेस हुए थे वो मैंने आपको बता दिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए धन्यवाद